नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से 454 नंबर के हेल्प से ताजमहल का चित्र बनाना सिखाएंगे। यहाँ पर आपको पहले 4 नंबर लिखना होगा, फिर 5 नंबर लिखिएगा, फिर 4 नंबर लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पर कुछ लाइनिंग दिख रहा होगा, इसको कैसे ड्रॉ करना है इसको भी ध्यान से देख लीजिए। बीच में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, फिर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। एक आपको हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होगा। फिर गाइज यहाँ से 2 सेंटीमीटर लीजिएगा, इधर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, इधर भी 3 सेंटीमीटर करिएगा, इस साइड भी आप ऐसे 3-3 सेंटीमीटर ले लेंगे। और ये वाला हमारा बीच में जो है ये 1.5 सेंटीमीटर है, इधर भी 1.5 सेंटीमीटर कर दीजिएगा। सेम प्रोसेस आप इधर भी ऐसे मेज़र करके रिपीट कर देंगे। अब देखिएगा, आपको यहाँ से इस 5 नंबर को ऊपर की तरफ बढ़ाना होगा। छोटी सी लाइन इधर ड्रॉ करिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक आगे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे मिला दीजिएगा। इस लाइन को ड्रॉ करने से आपको ये रहेगा, आपका पूरा सीधा बनेगा। अब आपको नीचे के साइड में इधर से एक लाइन ड्रॉ करना है, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करिएगा, बहुत ही आसान है। एक इधर भी बढ़ाइएगा, नीचे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे मिलाइए। फिर गाइज आपको इसको नीचे की तरफ आसानी से मिलाना होगा। एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करिएगा, बीच में आपको डबल लाइन ड्रॉ करना है, इस साइड भी आप आसानी से डबल लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। इधर ऊपर की तरफ हल्का सा वी लेटर लिखते हुए यहाँ पर ऐसे मिला दीजिए। सेम प्रोसेस आपको इन चारों के साथ रिपीट करना होगा। इधर भी आपको ऐसे बनाना है। अभी हम आपको इसको लास्ट में बना के दिखाएंगे दोस्तों। देखिएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। फिर गाइज यहाँ से हल्का सा इसको भी बढ़ा दीजिए, एक लाइन इधर ड्रॉ करिए, हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे हम, यहाँ पर ऐसे डबल कर दीजिएगा। सेम आपको इस साइड वैसे रिपीट करना होगा। और गाइज आपसे हमारा एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन भी है, अगर आपको पता है ताजमहल का निर्माण किसने और कब करवाया था तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इधर से देखिएगा ध्यान से, पहले हम इधर से आ जाते हैं, यहाँ से आपको एक यू लेटर, उल्टा यू लेटर लिखना है। नीचे की तरफ बढ़ाइए, इधर आप ऐसे बढ़ाएंगे। फिर गाइज एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा, एक लाइन हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसको भी आसानी से ऐसे मिलाइएगा। सेम प्रोसेस आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना होगा, एक यू लेटर इधर, एक यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिए, इसको इधर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ाएंगे, फिर नीचे इधर बनाइएगा और हल्का सा और ऊपर की तरफ करिए, यहाँ पर एक छोटा सा आप गुंबद बना देंगे। इस साइड भी आपको एक छोटा सा गुंबद बनाना होगा, यहाँ पर ऐसे यू लेटर लिखिएगा। इस बीच वाली लाइन की हेल्प से भी दोस्तों आपको एक गुंबद बनाना है, डबल करिए, यहाँ पर एक छोटा सा गुंबद ऐसे बनाएंगे। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है, नीचे की तरफ लाइन, इधर आप ऐसे करेंगे। फिर गाइज आपको ये वाला सिरा डबल करना होगा, यहाँ पर एक गुंबद बनाना है, एक गुंबद आप इधर भी ऐसे बना दीजिएगा। गुंबद बन के तैयार हो गया, बीच में भी आपको एक गुंबद बनाना है, यहाँ से ऐसे ले जाइए, इधर ऐसे बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद आपको ये वाला सिरा इधर ऐसे मिलाना है, छोटी सी लाइन आउट ड्रॉ करिएगा, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ है, इसको भी आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर बहुत ही हल्का सा आप सर्कल का शेप देते हुए यहाँ पर ऐसे बढ़ा दीजिएगा। अब गाइज आपको इसका यूज करते हुए एक गुंबद बनाना होगा, यहाँ से ऐसे करिए, नीचे की तरफ बढ़ा दीजिए। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, एक गुंबद आपको इधर भी बनाना होगा, पहले तो इसको डबल कर दीजिएगा, यहाँ पर भी आपको डबल करना होगा, इधर करिए। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखते रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर भी आप ऐसे डबल कर दीजिए, देखिए कितनी आसानी से हमारा ताजमहल का चित्र बनके तैयार होने वाला है। फिर गाइज आपको यहाँ पर एक बड़ा सा गुंबद बनाना होगा, इधर से ले जाइए और इसको हम यहाँ पर ऐसे बढ़ाएंगे। फिर गाइज नीचे की तरफ बढ़ाते हुए बहुत ही आराम से यहाँ पर ऐसे टच कर दीजिएगा, इधर थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे, यहाँ पर भी ऐसे डार्क करिए, इधर से ले जाइएगा छोटा सा यहाँ पर सर्किल, एक बड़ा सा, फिर एक छोटा, फिर एक आप ऐसे लिप्स बना देंगे। इस तरह आपको बनाना होगा। एक लाइन आप यहाँ पर ड्रॉ करिए, आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ से ले जाइए, इसको मिला दीजिए। आपको यहाँ पर छोटे छोटे डॉट्स बनाने होंगे, नीचे की तरफ इसको भी बढ़ा दीजिएगा। अब देखिएगा आपको करना क्या होगा दोस्तों, जो हमने यहाँ पे डबल लाइन ड्रॉ किया है, इधर से भी आपको एक पिलर बनाना है। पहले तो आप नीचे की तरफ यहाँ से हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करिएगा,
सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिए, यहाँ से ले जाइए हल्का सा तिरछा कर दीजिएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करिएगा, इधर बढ़ाइए थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा, ये हो जाएगा हमारा। फिर नीचे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे मिलाइएगा, इसको मिलाइए, वन टू करिएगा, यहाँ पर डबल करिए, छोटे छोटे आप यू लेटर लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करिएगा यहाँ से ऊपर की तरफ, एक गुंबद आप इधर भी ऐसे बनाएंगे। सेम आपको इधर भी ऐसे रिपीट करना है दोस्तों, इधर एक ऐसे छोटे छोटे यू लेटर लिखते हुए आसानी से आप एक गुंबद बड़ा सा बनाइएगा, वन टू थ्री लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो चलिए दोस्तों हम यही सेम प्रोसेस आप यहाँ पर भी रिपीट कर लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।